नमस्कार, मैं रश्मि प्रभाकर और आप देख रहे हैं एटीएस न्यूज 11। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए बने रहें हमारे साथ, देखिए इसकी पूरी रिपोर्ट। एटीएस न्यूज 11 में आपका स्वागत है। मैं अभी ठीक नगर पंचायत चेनारी, नगर पंचायत चेनारी के वार्ड नंबर 5 में मौजूद हूँ। और मुहर्रम की आज 7वीं तारीख है। 7वीं तारीख को यहाँ पर बहुत सारे महिलाएं लोग आके यहाँ पर फतेह कराते हैं, जो मैं इमाम बड़ा के पास हूँ। और मेरे साथ वार्ड परिषद, जो वार्ड नंबर 5 को वार्ड परिषद है, परवेज अहमद जी, मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर यहाँ लोग क्यों आते हैं? यहाँ मुहर्रम की आज 7वीं तारीख है और पूरे नगर पंचायत, यूं कह लीजिए कि पूरे नगर प्रखंड के लोग या महिलाएं आती हैं यहाँ फातिया कराने के लिए। शरबत और मलिदा का फातिया होता है। काफी शांतिपूर्वक यहाँ माहौल रहता है। बहुत वर्षों से हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, यहाँ किसी तरह का वाद विवाद नहीं होता है। और मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने पुलिस बटालियन भेज करके हमारे वार्ड में आज हमारी गरिमा को बढ़ाया है। मैं उनके लिए उनको बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा। काफी चाक चौबंद व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा और किसी तरह का यहाँ कोई विवाद और बात नहीं है। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद इसरार आलम है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रखंड जदयू उपाध्यक्ष हूँ यहाँ। ये हर साल की भांति इन साल भी मुहर्रम के 7वीं तारीख को यहाँ बहुत, मैंने इस प्रखंड के अनेकों गांव से लोग आते हैं और मलिदा और का न्याज फतेह कराते हैं और यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। और हर साल से हमारे जो वार्ड पार्षद हैं, इस साल हर साल से अच्छी व्यवस्था किए हैं और लोगों को यहाँ सबसे पहले देखा जाए कि यहाँ जो अभी मिट्टी जो गिरा हुआ है, ये वार्ड पार्षद का देन है। ये पूरा हाथ लगता हुआ था, लेकिन वार्ड पार्षद अपने यहाँ से इन्होंने मिट्टी गिराकर इसको फर्श को बनवाया है। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हर साल भाती जो इच्छा हुआ है हर साल इसी तरह मनाया जाए। धन्यवाद। इस्लाम के आलम को उठाए हुसैन ने, इस्लाम के आलम को उठाए हुसैन ने, क्या चीज है नमाज बताए हुसैन ने। तो आज मैं वही इमाम बड़ा पे हूँ जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम हुसैन ने अपने आप को कुर्बान कर दिए थे अपने इस्लाम के लिए। तो आइए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्रशासन की टीम आए हुए हैं, काफी प्रशासन की टीम चुस्त दुरुस्त के साथ यहाँ लोगों के हर तरह से कड़ी नजर रखी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे महिला भी है यहाँ पर आए फतेह कराने के लिए, जो कहा जाता है चेनारी प्रखंड के या कैमूर से भी चल के लोग यहाँ फतेह कराने के लिए लोग आती रहती हैं। हर साल के बात ही इन साल भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज से पहले पिछले साल जब हम आए थे तो यहाँ बहुत दयनीय स्थिति थी, ये बदतर स्थिति थी, लेकिन ये वार्ड परिषद के द्वारा यहाँ बहुत सुविधा कर दिया गया ताकि लोगों को आने जाने में तकलीफ न हो। एटीएच न्यूज 11 बने रहने के लिए धन्यवाद।